मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम आज बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 और 10th की, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट एट 5x टू द पावर 3 cos 2x। मान लेते हैं कि लेट दिस बी इक्वल टू y, और इस टाइप के फंक्शन जिसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, उसके डिफरेंशिएशन की टेक्निक है कि दोनों साइड लॉग लो। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स सॉल्यूशन, तो अगर इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 5x टू द पावर 3 cos 2x। टेकिंग log, log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 3 cos 2x नीचे आ जाएगा, 3 cos 2x log ऑफ 5x। ये log जो है इसका बेस e होता है, तो कुछ लोग इसको ln log भी लिखते हैं। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग a टू द पावर p इज इक्वल टू p log a। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, log y टू द बेस e। तो डिफरेंशिएटिंग दिस, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वी फाइंड log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, ठीक समझा आपने, y का होगा dy/dx, 3 कॉमन। और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन 2x माइनस साइन 2x इनटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 लॉग ऑफ 5x कांस्टेंट प्लस कॉस 2x कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ 5x इज 1/5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x यूजिंग चेन रूल। 5x का डिफरेंशिएशन 5, 5 5 कैंसिल। तो ये dy/dx इज इक्वल टू y इंटू माइनस 2 साइन 2x लॉग ऑफ 5x प्लस कॉस 2x अपॉन x होगा। और फाइनल आंसर के लिए y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो y का वैल्यू है 5x टू द पावर 3 cos 2x इंटू माइनस 2 साइन 2x लॉग ऑफ 5x प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अब आप क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 7, जो इसी के जैसा है। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट log x होल टू द पावर log x, log x होल टू द पावर log x। तो इस केस में भी हमें दोनों साइड का log लेना है, log ऑफ y log ऑफ x टू द पावर log ऑफ x। देखिए इसको log x प्रॉपर्टी के हिसाब से आएगा यहां, तो ये बन जाएगा log x log ऑफ log x। अब डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y
1 by y dy by dx, यहां first into second, first और second product rule लगेगा, log x का 1 by x, log log x constant plus log x constant into differentiation of this log log x. तो log का 1 by log x और फिर log x का differentiation 1 upon x. Log x cancel. dy by dx will be y into ये y transfer हुआ right side में log log x upon x plus 1 by x is equal to y का value रख दीजिए आप log x to the power log x bracket log log x plus 1 और चाहे तो दोनों के डिनोमिनेटर में x है तो आप एक x लिख सकते हैं. So finally derivative of this log x to the power log x is like this and this is the answer. अब ये था question number 7. अब हम question number 9 discuss करते हैं. Question number 9 देखिए और फिर इसके बाद question number 10. तो question number 9 क्या कहता है देखेंगे. Let us see this question's solution. Question number 9 कहता है y is equal to sin x minus cos x to the power sin x minus cos x. ये question and we are supposed to differentiate this. तो फिर वही process taking log of both the sides. Log लिया log of sin x minus cos x to the power sin x minus cos x और as usual ये यहां आ जाएगा तो क्या होगा sin x minus cos x log of sin x minus cos x. अब differentiating both sides देखिए क्या होगा log y का differentiation है 1 by y और y का dy by dx right side में product rule first second first function sin x minus cos x constant second का derivative 1 upon sin x minus cos x sin x minus cos x into derivative of sin x minus cos x minus derivative of cos x is minus sin x therefore it becomes plus. इससे इसको cancel भी कर सकते हैं plus. अब इस बार हमने second का derivative पहले किया तो अब first का derivative करना होगा तो derivative of this cos x minus derivative of cos x minus sin x तो ये plus हो गया log of sin x minus cos x अब bracket close y को उधर transfer कर दें और फिर y का value रख दें तो आप direct भी कर सकते हैं dy by dx is equal to y transfer कर दें और y का value रख दें sin x minus cos x to the power sin x minus cos x into bracket अब यहां पे आप चाहें तो cos x plus sin x common भी ले सकते हैं तो cos x plus sin x common तो bracket में आएगा instead of this cos x plus sin x 1 यहां 1 आ गया plus log of sin x minus cos x. So finally this is the answer of question number 9. अब आखिरी question है जो miscellaneous exercise में इसी type का है वो है question number 10. तो आइए question number
10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एंड हाउ टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 10 में है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x टू द पावर x, x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a. इस तरह का क्वेश्चन है. तो आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो x टू द पावर n के कंसेप्ट से, nx n माइनस 1, इसका भी मालूम है a टू द पावर x का, a टू द पावर x log a, इसका भी मालूम है a टू द पावर a का 0. प्रॉब्लम है इसका डिफरेंशिएशन. तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए आप इसको u मान लें, u इज इक्वल टू x टू द पावर x, और log ले लें, log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x. इसे यहां भेज दें लॉग की प्रॉपर्टी के साथ, x लॉग u, डिफरेंशिएट करें, 1 अपॉन u डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू x का 1 लॉग x कांस्टेंट, x कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x 1 बाय x, x x कैंसिल 1, डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू u उधर भेज दे, u इंटू 1 प्लस लॉग x. अब u का वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. ये रिजल्ट अब आप यूज करेंगे इसके डिफरेंशिएशन में. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y होगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर a प्लस डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर a. तो इस x टू द पावर x का डेरिवेटिव वो यूज करें आप, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x. ये कहां से आया, तो इसको नाम दे दें स्टार, यूजिंग स्टार या फ्रॉम स्टार. ये क्या होगा, इसका a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a बेस e प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर a बीइंग अ कांस्टेंट इट्स डेरिवेटिव इज 0. तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 और 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के सॉल्यूशंस. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इसी तरह के और डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. और यदि आप क्विक रिस्पांस चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9685698056 पर मुझे लिख भेजें. दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले. विश यू ऑल द बेस्ट.